असलामुअलैकुम क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज है हमारी 3C। 3C का क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, डिवाइड एंड राइट आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब के जो फ्रैक्शंस आप लोगों को गिवन है आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना है और अपना आंसर सबसे सिंपलेस्ट यानी कि लोएस्ट फॉर्म में इसको हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 ये हमने लेक्चर में अटेम्प्ट किया था, आज हमने करना है पार्ट 3। तो पार्ट 3 क्या है हमारे पास, 4 होल 1 ओवर 5 डिवाइड बाय 9 होल 3 ओवर 4। क्लियर, सॉल्व लिखने के बाद आपने क्वेश्चन रिपीट किया, अब आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन किस फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में। तो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म को सबसे पहले हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, 5 को मल्टीप्लाई करना है आपने 4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 और उसमें ये जो न्यूमिनेटर है ये हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे और डिनोमिनेटर वाला 5 आपके पास एज इट इज रहेगा। डिवाइड बाय 4 को मल्टीप्लाई करना है आपने 9 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 9 और ये वाला जो न्यूमिनेटर है 3 इसमें क्या करेंगे, प्लस, और ये वाला 4 हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज। क्लियर, नेक्स्ट हमने क्या करना है, 20 में 1 प्लस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 20 1 ओवर 5, सॉरी यहाँ पे डिवीजन का साइन था, यहाँ पे डिवीजन का साइन, 9 4 36 में हमने क्या प्लस करना है, 3 36 में जब हमने 3 प्लस किया तो वैल्यू हमारे पास क्या आई, 39 ओवर 4। मिक्स फ्रैक्शन थी, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल फ्रैक्शन में। अब हमने क्या करना है, 21 ओवर 5 इस डिवाइड के साइन को कन्वर्ट करना है आपने मल्टीप्लाई के साइन में, और जो ट्वीएन के बाद वाली फ्रैक्शन है उसका हमने क्या लेना है, रेसिप्रोकल, तो उसका रेसिप्रोकल नहीं तो आएगा 4 ओवर 39।